हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्राइड एंड टेस्टेड इजी लाइफ है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पुराने गाउन को या फिर जो गाउन है प्लेन गाउन को स्टाइलिश गाउन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने आजकल वीडियो देखा होगा जिसमें एक आपने देखा होगा कि फ्रिल वाला जो दुपट्टा होता है वो उसके साथ अटैच आता है, तो उस फ्रिल वाले दुपट्टे को हम घर पे ही कैसे बनाएंगे जिससे हमारा गाउन भी स्टाइलिश हो जाएगा और पुराने दुपट्टे का जो नया स्टाइल से वो उसको कैरी करने का एक नया तरीका आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा और नहीं लगे तो देखने में क्या बुराई है। तो आज मैंने अपने गाउन को इस गाउन के दुपट्टे को वो करा है, मैं आपको बताने के लिए बताऊँगी कि किस तरह से करा है मैंने। अब मैं बताने जा रही हूँ, देखो दुपट्टा जो भी हो आपका, आपको लेंथ जितनी रखनी हो, ये तो देखो पूरा दुपट्टे की रखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये दुपट्टा आप ख़राब नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि बाद में भी आपको इसको यूज़ करना है। तो पूरा दुपट्टे की रखिए, अगर आपको नहीं है किसी और दूसरे कपड़े से बनाने जा रहे हैं तो लेंथ थोड़ी छोटी रखना है, इतनी काफ़ी होती है इतनी। और अगर आप अपने दुपट्टे से बनाने जा रहे हैं तो लेंथ को कम मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको वो उस समय समझ नहीं आए, बाद में अच्छा नहीं लगे तो आपको फिर मन ख़राब हो जाए, तो उसको फिर दोबारा से रीयूज़ तो कर सकते हैं, इसलिए आप उसको ख़राब मत कीजिए। तो बताने के लिए पहले आपको क्या करना है, ये जो पूरी लेंथ लेनी है ना, लंबाई होती है दुपट्टे की, वो देखिए। और उस लेने के बाद उसमें आप बड़ी सुई जो होती है, सुई में धागा डालिए और धागा डालने के बाद ये इस तरह से मोटी मोटी गैदरिंग करने लेनी है पूरे दुपट्टे में, इस तरह से, ये दिख रही है आपको, इस तरह से ऐसे मोटी मोटी पूरी गैदरिंग तैयार कर लेनी है पूरे दुपट्टे का, यहाँ से लेके स्टार्ट से लेकर के एंड तक। और गैदरिंग तैयार करने के बाद, जैसे पूरी गैदरिंग तैयार हो जाएंगी ना, जैसे ये बताती हूँ मैं आपको इस तरह से, नहीं वो दूसरी तरह से आएगी, मैं अभी बताती हूँ, इस तरह से आपकी गैदरिंग तैयार हो जाएगी। ये तो है छोटी गैदरिंग, वो उससे तो थोड़ी छोटी छोटी इस तरह से आएगी। पूरे दुपट्टे पर आपको गैदरिंग तैयार कर लेनी है, यहाँ से ऐसे सलवटें ले लेंगे ये यूँ करके छोटी छोटी, वो हाँ जी। तो ये देखिए, ये मैं अभी आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इसलिए बता नहीं रही, आप सब समझदार हो, ये इस तरह से गैदरिंग तैयार कर लेनी है। सुई धागा लेना, मोटा वाला धागा लेना ताकि वो टूटे नहीं। और फिर इन गैदरिंग जो ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी, पूरी गैदरिंग जितनी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, ये वाला हिस्सा, और आपकी गर्दन में से निकल जाए दुपट्टा, इतना इतना छोटा उसका राउंड बनाना है। और फिर ये गैदरिंग तैयार हो जाएगी, इनके ऊपर आपको सिलाई कर लेनी है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक गैदरिंग के ऊपर। पहले गैदरिंग तैयार करें और फिर उसके ऊपर सिलाई करनी है, जैसे फ्रॉक में होती है ना। और फ्रॉक में नहीं तो आप देखिए, आप ये मेरा गाउन में ये गैदरिंग तैयार हुई है ना इस तरह से, वो आपको छोटी 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 यूँ करके और फिर एक सिलाई लगा देनी है, जस्ट सिंपल वो काम है, वो करना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, मैं अब बताती हूँ कि मैंने किस तरह से दूसरे वाले से करके रखा हुआ है। तो देखिए आप, ये देखिए ये दुपट्टा है इसके गाउन के साथ का, और ये देखिए ये गैदरिंग तैयार कर रखी है मैंने। अभी मैंने कच्चा काम किया है, अभी मैंने सिलाई नहीं की है, और सिलाई मैं बाद में करूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसको आपको दिखाने के लिए। इस तरह से ये माला जैसी बन जाएगी, ये देखो, क्योंकि मेरे गर्दन से लेके यहाँ तक का ये इतने में आ रहा है, आपका देखिए कितना है। अगर आपका दुपट्टा और ज़्यादा चौड़ा ही है तो आपकी गैदरिंग अच्छी आएगी। इसमें देखो इतनी गैदरिंग आई है, आप आगे की तरफ अच्छी गैदरिंग रखिए, पीछे की तरफ थोड़ा कम भी चलेगा, नहीं तो बराबर बराबर रख लीजिए सब जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से गैदरिंग है, और लास्ट वाले हिस्से को यूँ इस तरह से सिक्योर कर दिया है, सिलाई लगा दी है, और ये देखो ये इस तरह से ये माला जैसी बन गई है। आप ये देखिए ये माला जैसी बन गई है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको ये माला जैसी बन गई है, इसको ये लेना है और ये हाथ निकालना है, और ये देखिए ये देखिए ये इस तरह से ये गैदरिंग है। अब इस पर जब आप सिलाई लगाओगे तो ये फिक्स हो जाएगी। अभी ये उठी उठी दिख रही है क्योंकि हमने इसको वो नहीं किया है, सिलाई नहीं लगाई है, इसलिए उठी उठी से दिख रही है। ये देखिए जितनी आपको जैसी चाहिए वैसी ये गैदरिंग, इस तरह से आपने देख लिया ना, ये गैदरिंग तैयार होने के बाद ये माला जैसी बना लिए। अब आप देखिए ये इस तरह से, ये बस इसको यहाँ पर लगाइए और नए स्टाइल का आपका गाउन बनके तैयार है। मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ,
एडजस्ट कर लेती हूँ, ये दिखाइए, ये देखिए पूरा। अगर आपका ये लेंथ छोटा होता तो ये घेरा यूँ करके यूँ आता, थोड़ा सा ऊंचाई में आता, वो अलग बात है, आप लेना चाहो तो कर सकते हो उसको छोटा करके फिर छोटे में आ सकते, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये जैसा है वैसा ही रहने दीजिए, और फिर आपको फिर बीच में सिलाई डालनी पड़ेगी, फिर वो वापस बाउंड्री करनी पड़ेगी, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये इस तरह से ये इस शोल्डर पर रखना चाहो तो इस शोल्डर पर भी रख सकते हो, और आप चेंज करना चाहो शोल्डर तो आप ये इस तरह से आपने देखा होगा आजकल वीडियो चल रहा है, आपने देखे होंगे ये सब वीडियो जो आजकल चल रहे हैं। देखिए इस तरह से ये सबको जब सिलाई लगेगी ना, अभी सिलाई नहीं है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी सिलाई लगने के बाद इस तरह नए स्टाइल में आपका दुपट्टा बन के दे जाए। देखिए पीछे से देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।